अस्सलाम वालेकुम माय लवली एंड माय स्वीट व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब हमेशा की तरह? और माशाल्लाह से मैं बहुत अच्छी हूँ हमेशा की तरह। ईद उल अदहा आप सभी को मुबारक हो। फिर से मैं बोल रही हूँ, जबकि ये हो चुकी है कल, आज सेकेंड डे है उसका, बट अभी 3 दिन रहती है तो इसलिए मैंने बोला आपको। और बताएं कि आप सभी का क्या हाल चाल है और कैसे आप लोगों ने अपनी ईद उल अदहा मनाई, और जिन्होंने नहीं मनाई वो क्या कर रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या चल रहा है आप लोग की सभी की लाइफ में, आप सभी की लाइफ में क्या चल रहा है। और जैसा कि आप ये सब देख सकते हैं तो आप ये शॉक्ड हो रहे होंगे कि ये सब क्या है, ये तो कुकिंग की रेसिपी नहीं है। तो जी हाँ, मैं यहाँ पर अनाउंस करने जा रही हूँ, बिग अनाउंसमेंट फॉर मी और फॉर ऑल माई लवली एंड स्वीट व्यूअर्स, कि ये मेरा सेकेंड चैनल है जो कि RF बरकत वर्ल्ड क्या है नाम इसका, जो कि RF बरकत वर्ल्ड है इसका नाम। तो प्लीज़ जा कर के आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए अगर मेरी वीडियो पसंद आए। इसमें मैं डेली के व्लॉग्स डालूँगी, सॉरी डेली के नहीं, वीक में 2 डेज़ तो मैं डालूँगी इंशाल्लाह ताला। और ब्यूटी हैक्स हैं, नॉर्मल डेली रूटीन है, क्लीनिंग है, जो भी है आप प्लीज़ मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में देख लेना, नोट कर लेना, देख लेना कि मैंने क्या क्या लिखा है। तो चले, मैं आज ब्यूटी हैक्स एक टिप लेकर के आई हूँ, एक रेमेडी लेकर के आई हूँ जो कि इंस्टेंट ग्लोइंग करता है, मेरे खुद का आजमाया हुआ है। तो चले फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपने न्यू चैनल की फर्स्ट वीडियो। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ आज से, और आप सभी का मुझे भरपूर सपोर्ट चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करने जा रही हूँ मैं ब्यूटी रेमेडी अपनी, कि कैसे बनाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपने यहाँ पर ग्राम फ्लोर देख लिया है तो मैं इसको निकाल करके इसमें ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने 1, 2 एंड फाइनल 3 3 स्पून मैंने ले लिए हैं यहाँ पर बेसन के, जो कि सबके घरों में आसानी से अवेलेबल होते हैं। और अब मैं इसमें मिलाऊंगी 1/2 पिंच टर्मरिक पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये एंटीबायोटिक हर्बल जो होता है वो भी रहता है, और ये हमारी स्किन को ग्लो करता है। हमारी स्किन में जो भी जो होता है ना, जम्स वगैरह जो कुछ भी होते हैं उन्हें भी दूर करता है, और हमारी स्किन को ग्लोइंग स्किन भी करता है। ये मेरा घरेलू नुस्खा है और बहुत ही आजमाई हुई मेरी चीज़ है खुद की, तो मैं इसे बता रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे इस रेमेडी के बारे में तो प्लीज़ आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरा दूसरा चैनल है RF बरकत वर्ल्ड, तो प्लीज़ इसे आपको विज़िट करना है। तो अब मैं इसमें डालूँगी थर्ड जो इंग्रेडिएंट्स है वो है मलाई, सबके घरों में इजी अवेलेबल होती है मलाई। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैं ये मलाई ले रही हूँ, मैंने 1/2 टीस्पून यहाँ पर मलाई ले ली है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ओ ये इसमें लगा रह गया, सॉरी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हनी, तो ये हनी है ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, हमारी स्किन को इंस्टेंटली ग्लोइंग बनाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए। तो अब मैं इससे भी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने ये 1 और ये 2 चम्मच मैंने यहाँ पर इसे ऐड कर लिया है। तो आपने देखा मैंने बेसन में क्या क्या मिलाया है, मैंने बेसन में हल्दी है, मलाई है, शहद है, ये सब मिलाया है। और अब मैं इसे ऐसे करके इसे मिक्स कर रही हूँ, मुझे पानी की भी इसमें ज़रूरत है, मैं भी आपको बताती हूँ। तो ये देखिए माय लवली एंड माय स्वीट व्यूअर्स, तो यहाँ पर मैं ज़रूरत के मुताबिक पानी लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अब मैं इसे अच्छे से मैश करूँगी। पहले मैंने इसको मलाई और शहद में मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसे पानी में मिक्स करूँगी अच्छे से, एक भी जो है इस पर लम्स नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट सा इसको बैटर बनाना फोक की हेल्प से। अब आप चाहें तो स्पून की हेल्प भी ले सकते हैं या स्पैटुला से भी बना सकते हैं, मैं इसे फोक से बना रही हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ये ठीक है, थोड़ा सा मैं पतला करना है इसे, तो इसका अच्छा सा फाइन पेस्ट, एकदम स्मूथ सा पेस्ट, स्मूथ सा इसका टेक्सचर हमें रखना है, जो कि ना इतना थिन हो जो हमारी स्किन पे टिके ही ना, हमारे फेस पे या हमारे हैंड पे या हमारी नेक पे, और ना ही इतना थिक हो जो अप्लाई करने में इसको घंटे लग जाए सूखने में। तो हमें उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है इसे। तो आप यहाँ देख सकते होंगे माई स्वीट एंड माई लवली व्यूवर्स कि ये देखिए, ये देख रहे हैं इसका, ये देखिए इसका टेक्सचर कितना स्मूथ सा एक बैटर बन गया है। तो ये देखिए कितना स्मूथ सा हो गया। अब इसमें मैंने शहद और मलाई दोनों चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए किया है कि ये रफ़ ना हो जाए। शहद लगाने से तो शहद आप देखते हैं ना खिंचाव होता है स्किन पर, जब सूखता है अप्लाई करते हैं तो एकदम सूख करके जो हो जाता है, तो और हमारी स्किन फिर मतलब खिंचने से स्ट्रेच ना हो जाए। तो इसलिए से मैंने क्या करना है कि मैंने मलाई मिलाई है जिससे कि ये बहुत ही अच्छा रहे, स्मूथ सा एक पेस्ट तैयार हो। उसके बाद भी इसमें एक स्टेप है जो कि मैं पहले से अप्लाई करती हूँ, तो मैं सॉरी यहाँ पर अपना फेस तो नहीं दिखा सकती, बट मैं इसे अपने हैंड पर अप्लाई कर रही हूँ फॉर 5 मिनट्स। मैं इसे अपने हैंड पर फॉर 5 मिनट्स के लिए अप्लाई करती हूँ। ये रहे हमारे हैंड स्वच्छ, तो चले तो मैं यहाँ पर अपना हाथ रखती हूँ, ये रहा मेरा हाथ, और अब मैं इसे आप लोगों के सामने अप्लाई करती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अपने हाथ से ही दूसरे हाथ की हेल्प से इस पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, और प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स होंगे तो आप लोग प्लीज़ मेरे जो हैं चीकू हब चैनल पर भी जाकर विज़िट कीजिए, और इस चैनल को भी आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से ये देखिए लगा लिया है, और अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के बीच में रहने देती हूँ कि ये ना ही ज़्यादा सूख जाए जो कड़ा हो जाए, और ना ही गीला रहे, क्योंकि मुझे जो सेकंड स्टेप करना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सूखने के ऊपर। तो ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ इसे 5 से 10 मिनट के बाद। तो ये देखिए माय लवली एंड माय स्वीट व्यूअर्स, यहाँ पर इनकी हालत कुछ इस तरह से हो गई है सूख करके, ना ज़्यादा सूखा है और ना ही ये ज़्यादा गीला है। और अब आप देख सकते होंगे कि ये रीयूज़ किया हुआ है, रीयूज़ मीन्स मैंने अभी इससे मतलब स्क्वीज़ किया है, इसे मैंने अभी स्क्वीज़ किया है इससे, और ये ज़रा सा इस पर देख रहे हैं ना रेशे रेशे रह गए, ये भी थोड़ा सा यूज़ में आया है ये सब अभी काम में। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के जो छिलके होते हैं तो हम क्या करते हैं इन्हें फेंक देते हैं, तो प्लीज़ इन्हें बिल्कुल भी ना फेंके, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती हैं यही जो छिलके होते हैं। अब आप इन्हें उल्टा कर लें तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फोकस करिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिक्कत होती है बट हो जाता है। ये देखिए ओह इसमें अभी भी कितना रस है, तो ये देखिए मैंने इस तरह से, ये नहीं हो रहा, बहुत ही दिक्कत हो रही है इसमें, ये देखिए इस तरह से ये हो गया है, इसको मैंने उलट दिया है, अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा रस है ये आप देख सकते हैं। तो अब यही हमें करना है, हमें इसके ऊपर इस लेमन के छिलके को इसे घिसना है, मुझे इसे रब करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मुझे अच्छे से इसे ये रब करना है, ये देखिए ये जो हमारी स्किन है ना, ये देखिए, ये देखिए अच्छे से हमें, इसीलिए मैंने बोला था कि ये ना ज़्यादा सूखे और ना ही ये ज़्यादा गीला हो, इतना रहे। ये मैंने पूरा 10 मिनट्स तक इसे रखा है, अप्लाई किया अपने हैंड्स पर। तो ये देखिए इसे आप नेक पर भी कर सकते हैं, और इसे आप जो अंडर एरियाज़ होते हैं, अंडर एरियाज़ जो भी होते हैं तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसे गर्दन पर करिए बहुत ही फ़ायदा होगा आपको, और आप इसे फेस पर करिए तो आपके इंस्टेंट एकदम फेस मास्क हो जाएगा बहुत ही अच्छा सा। इसे पैरों पर अप्लाई कीजिए, ये देखिए ये हमें कम से कम इसे 3 से 5 मिनट तक इस तरह से इसे करते रहना है, 3 से 5 मिनट तक हमें इस तरह से इसे करते रहना है।
देखा कितने अच्छे से ये मेरा हाथ और सॉफ्ट भी हो गया है। जो मैंने इसमें मलाई ऐड की थी तो ये ना बिल्कुल सॉफ्ट सा टेक्सचर इसका आ रहा है, क्योंकि अगर हम सिर्फ शहद इसमें ऐड कर देते ना तो एकदम रफली हो जाता, क्योंकि शहद जो है एकदम स्ट्रॉन्ग होता है और बिल्कुल कड़ा सा हो जाता है। तो मैंने सीधे इसमें मलाई ऐड की है कि इसका जो टेक्सचर है, जो मेरी स्किन है वो सॉफ्ट रहे। तो मैं आपकी दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए माय लवली एंड माय स्वीट व्यूअर्स, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए इसकी फेयरनेस, ये देखिए इंस्टेंट ग्लो किया, इंस्टेंट। और यही अभी आपको मैं अपना दूसरा हाथ दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए दोनों को मैंने एक साथ रखा हुआ है, ये देखिए आपको फर्क लग रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए इसकी फेयरनेस और ये देखिए इसका डलपन। और ये जो मेरा चिकू हक चैनल देखते हैं कुकिंग का, तो उन्हें पता है कि मैं एग पकौड़ा बनाते टाइम जो है बन हो गया था और बहुत ज़बरदस्त सा इसका जो है ये रिज़ल्ट आया है। ये इतनी तकलीफ मुझे कर रहा था, खैर कोई बात नहीं है। आपको अगर इसकी पूरी जानकारी चाहिए है तो प्लीज़ आप चिकू हक को जा कर के विज़िट करें। खैर इसको छोड़ें और आप इसको देखें, इसके ये देखिए स्मूथनेस, ये देखिए, और आप इसको देखें तो बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इस हाथ में एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है और ये हाथ मुझे एकदम रफ सा लग रहा है। तो इसलिए ये आप देखिएगा और आप ख़ुद फ़र्क महसूस कीजिएगा कि किस में अच्छा लग रहा है आपको। तो अगर आपको ज़रा सी भी मेरी रेमेडी ये वाली अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ ये चैनल मेरा विज़िट कीजिए। और आपको कैसा लगा हो प्लीज़ बताइएगा। दिस इज़ माई सेकेंड चैनल, फिर मैं बोली हूँ, ये है आरएफ बरकत वर्ल्ड। तो जब तक के लिए बाय बाय, और इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी अच्छे से व्लॉग्स या डेली हैक्स, ब्यूटी हैक्स, क्लीनिंग रूटीन, किस कैसे मिलूँगी ये नहीं पता, लेकिन अच्छे से जल्द से आऊँगी। तो जो जो देख रहे हैं वो जाकर के मेरा चैनल डिस्क्रिप्शन एक बार विज़िट कर ले, देख लें मैंने क्या क्या नोट किया उसमें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।